हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम तो सोन की तैयारी करने लग रहे थे, रात के बज गए 12:15। और ये इंसान, इनको पहचानते हो आप? मैं तो पहचानती नहीं। मम्मी आप जानते हो इनको कौन है? और आगे खाट पे भी लेट गए हैं। रात ने 12:15 बजे, मतलब इन्हें रिकॉर्ड बना रखा है, कभी भी टाइम तक ना आना ना जाना, रात ना आना रात ना जाना। फ्रॉडी है ये आदमी पूरे। रात ना आए हैं, सारे ही नींद खराब, ईब उठे हैं सारे, रोटी राटी बनावेंगे। पहले ना बतावा फोन करके, हमेशा पहले बता देना, कुछ प्रिपरेशन कर ले। पर आने ऐसे ही है बिना बताए। भाई भी खाने लग गया, इनका खाना हो गया कम्प्लीट। यहाँ पे निधि पूछ रही है कि जीजू आप कभी भी बताते क्यों नहीं है, जब यहाँ पे आते हो तो हम कुछ ज़्यादा अच्छे से खातिरदारी कर पाए। पर उनके पास कोई जवाब होता नहीं, उनको वही है बिना बताए बिना इन्फॉर्म किए ऐसे ही, वो भी रात को। दिन में आए तो क्या होता है ना, आदमी कुछ भी एडजस्टमेंट कर ले, रात के 12 बजे गाँव में अब क्या ही कर सकते हैं दाल रोटी के अलावा। हाँ, यहाँ पे चल रही है बातें और सिर्फ बातें। पापा तो जा रहे हैं सोने के लिए, कह रहे नींद आ रही है। और सुन, उड़े सो जा। मैं हाँ सो जा, बड़ा परना जी, परना परना सो जा। हाँ ले भाई, पापा बाहर सो रहे हैं दीदी। और ये अभी हम जग रहे हैं, हम देखो कितनी देर तक गप्पे मारेंगे, क्योंकि 2 बज गया, नींद आने लग गई ना, आदत ना इतनी लेट तक जगने। अब ये जावेंगे ऊपर, सुबह के बज गए 12 और हम लोग अब उठे हैं, मतलब 11:30 उठे थे। मैंने तो उठ के भी ब्रश किया है, अमित जी उठ के नहा लिए और नहीं देर शायद काम लग रही है। मेरी सुबह आँख खुली थी बट मैं उठी नहीं, क्योंकि रात में लेट हो गए थे, 3:30 हो गए थे। और इनकी लाइफ के मजे देखो, ये जो लोअर मैं लेके आई थी, क्योंकि कपड़े तो लेके नहीं आए थे, यहाँ थे इन्हें बढ़िया कपड़े मिल गए, या वो टी शर्ट लेके आई थी, देख लो कितने सुंदर लग रही है ना। और सही फिट भी आ गए बिल्कुल परफेक्ट ना, आप पता है मेरे को आपका, देख लो है। निधि इधर तैयारी कर रही है कुछ बनाने की, क्या बना के खिलाएगी पता नहीं। अगेन मैंगो शेक, इनकी वजह से इनने पी लिया, इनका मग्गा बहुत दरिया। और इबनु कह मम्मी तेल लगा दे, तो मम्मी लगावे तेल इनके सिर में, खुद ना लगा कर गद्दे भी वहां जा ले जब यहाँ ले, इनके पूरे बटे वाली सेवा हो गया। तो जी मैं होली हूँ रेडी, ये वाला सूट पहना है जैसा कि मम्मी को पसंद है, मम्मी ने बोला था यो पहन के चाहिए। हाँ अच्छा, ये पता नहीं किसके गिरे हैं, तो मैं नहा ली तैयार हो ली, बाल टाई कर लिए मैंने, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, अब बस निकलने की तैयारी है, हम इससे भी तैयार हो गए। यो मम्मी ने चूरमा बना दिया मेरे ससुर पापा थे, एक गली चौधरी साहब के लिए और सासू के लिए ना मम्मी। तो जी होली तैयार, और आज मैंने शायद शादी के बाद पहली बार रेड कलर की नेल पेंट लगाई है, बाबी की थी तो वो लगा ली। अपा चलो आप कब आओगे मेरे पास? सभी यूं कहे है कि अपने मम्मी पापा ने क्यों ना बुलाते, एक दो भी नहीं, झूठ बोल रहे हैं ना, पक्का ना आवे ना पक्का राम बरसते हैं सब बुलावा ही तेरे पास, मम्मी पापा क्यों ना आते, ससुराल वाले ना आते, चलो ठीक है मम्मी पापा तो आस्क है। पहले 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 ये बात आ रही है, आ 2 घंटे बैठ के चले गए, वाला ना होता आजा मित्र। ये मम्मी अब दूध डालने लग रही है, 2 बोतल लस्सी की भर दी, इतना सामान दे दिया मम्मी, महीने भर घूमता है, 2 लीटर की 2 लस्सी की बोतल। लगा
आराम निकलते टाइम नु का करे ना बोनी बनया करे भाई आ गया परताई भी आ गई बस निकलन लाग रे गेट वाली गाड़ी काट ली थी छोटू तो जा लिया गम किस गा ना छोटू आड़े किथे छोटू तो कई दिन पहले जा लिया ना मैं उड़ा है गे तेरे दोरा हां ले ये देख दोनों जना ने एक दूसरे ने भीण लाग रे वो दरवाजा बंद कर के बिलकुल बैठ लिए बहुत धूप है बहुत गर्मी है चलो आलू इसमें थोड़ी आ रही है हम लगाएंगे ऐसे ठीक है चलो ठीक है मम्मी ठीक है पापा जीना लागे दो तीन दिन पर मैं रोना ना चाहती अच्छा एक बार फिर बाय यो के रास्ते में पहुंच गए हम लोग सापला पहुंचने वाले हैं हां जी हां जी रोड कितना अच्छा है ना रोहतक वाला मस्त है ना दार दार वाले से अच्छा नहीं है तो गाइस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ अब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।